कि हमने लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च को रवात तक पहुंचाना है, और जो हमने मौके पे लोगों के तासुरात देखे सुने, हमने अपना तज्जिया चेयरमैन को पेश किया, और ये बताते हुए हमें मुसर्रत हो रही है कि हमारा मार्च रवात पर पुरमन तरीके से इख्तिताम पज़ीर हुआ, और जो हमारा एक स्टेटेड पोजीशन थी कि हमारा मार्च कानून और आईन के दायरे के अंदर होगा, पुरमन एहतजाज होगा, हमने साबित किया कि थ्रू आउट पूरा, आपने तकरीबन पंजाब फिरा और आपने देखा कि कहीं भी रुकसमन पैदा नहीं किया गया, कहीं भी बाजार बंद नहीं किए गए, कहीं भी ट्रैफिक, अगर एक तरफ हमारा कंटेनर खड़ा है तो सड़क के दूसरे तरफ ट्रैफिक रवादमा रही, लोगों को पब्लिक कन्वीनियंस को मलूज़े खातिर रखते हुए हमने अपना काम मुकम्मल किया, पुरमन रहा। हम पर कातलाना हमला हुआ, वज़ीराबाद में शहादत हुई, लोग ज़ख्मी हुए, और इमरान ख़ान को कत्ल करने का मंसूबा वाज़े हो गया। अल्लाह का करम हुआ, वो बच गए, लेकिन इसके बावजूद मुश्तैल नहीं हुए और कानून को हाथ में नहीं लिया। दूसरा नुक्ता जिस पर तबादला ख्याल हुआ वो इमरान ख़ान साहब का ऐलान कि बरोज़ हफ्ता 26 नवंबर को रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे, और जितने भी काफ़िले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तमा में शामिल होने, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। उस पर भी हमने तबादला ख्याल किया, सेक्रेटरी जनरल साहब ने वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो हमारी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में पूरी सीनियर लीडरशिप को ब्रीफ किया, इंतजाम के बारे में आगाह किया, और फैसला हुआ कि 26 तारीख को लोगों को बरवक्त निकलना है। बरवक्त इसलिए निकलना है कि सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है, मगरिब का वक्त और दिन छोटे हो गए, तो इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है, जो हमारी पार्टी की तंजीमें हैं, कारकुनान हैं, जो आम शहरी हैं, जो इस पिंडी के इज्तम में शामिल होना चाहते हैं और अपना पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कि अगर उनके पास बंदोबस्त है तो उन्हें तो कोशिश करनी चाहिए पहले तो 25 की रात को पहुंच जाएं, जिनके पास वहां रिहाइश का बंदोबस्त है। अपनी तरफ से पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इकबाल पार्क पर एक उनके लिए खातिर ख़्वाह बंदोबस्त किया जाए, और इंशाल्लाह किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग जो है वहाँ समा सकेंगे, वो 25 की रात पहुँच जाए जिन्होंने दूर से आना है। दीगर हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो 26 को सुबह हर वक्त निकलें, अपने सफ़र को सामने रखते हुए ऐसे वक्त पर निकलें कि 1 बजे वो जहां इमरान ख़ान साहब ने खिताब करना है वहां वो पहुंच चुके हों, ताकि दिन की रोशनी में वो उनसे मुखातिब हो सकें और अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर सकें, और आइंदा का जो अपना लाहे अमल है उससे भी उन्हें आगाह कर सकें। तीसरी चीज़ जिस पर सारी लीडरशिप ने तश्वीश का इजहार किया, और वो ये है कि इमरान ख़ान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, हमारी कोशिश के बावजूद, कानूनी तकाज़ों के बावजूद FIR ना हो सकी, और FIR ना होने की वजह हम समझते हैं वो ताकतवर कुव्वतें हैं जो हुकूमत से भी बाला हैं, जो पंजाब हुकूमत पर भी हावी हो गई, और FIR हमारी मंशा और हमारा मुद्दा उस पर ना आ सका, और हमारी तसल्ली के मुताबिक FIR ना काटी गई, पुलिस की मुद्दईत में एक FIR काटी गई, जिसकी हमारी नज़र में और बहुत से कानूनी माहरीन की नज़र में कोई कानूनी वक़्त नहीं है। पार्टी का ये
तमाम सीनियर लीडरशिप का ये मुत्तफिका ये राय है कि इसकी वजूहात ये हैं कि हमने क्योंकि तीन शख्सियात को नामजद किया जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ हैं, वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह हैं और जनरल फैसल नसीर हैं। ये तीनों इतनी ताकतवर शख्सियात हैं, इनके होते हुए ये FIR कानून के मुताबिक नहीं काटी गई और हमारा नुक्ता नज़र उसमें नहीं आया। चुनाचे सबका ये ख्याल है कि जब तक ये तीन शख्सियात अपने ओहदों पर कायम हैं हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम और असूली मौक़िफ़ भी ये है और दुनिया का तकाजा भी ये है, हर महज़ब माशरे में होता भी ऐसा है कि अगर किसी पर उंगली उठाई जाती है तो वो स्टेप डाउन करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं ताकि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके और अगर उसमें वो बरीउल ज़िम्मा हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल लें और अगर वो ज़िम्मेदार हैं तो फिर जवाबदेह ठहरें। तो इस पर भी एक पूरी नुक्ता नज़र सामने आ गया और पूरी पार्टी की सीनियर लीडरशिप इस पर मुत्तफिक है, इसमें कोई अभाव दिखाई नहीं दिया। अगली बात इस पर बात हुई, सारी लीडरशिप ने अपनी तश्वीश का इजहार किया जो कि आज हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन पर रोशनी डाली कि दिन ब दिन इकोनॉमिक सिचुएशन गिरती चली जा रही है, बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बहुत परेशान है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, मुल्क में कारोबार ठप होकर रह गया है। आज फैसलाबाद का एक वफद भी आया, इमरान खान साहब से मिला, उन्होंने वहाँ ताजरों के और सनअतकारों के तासरात बयान किए और अपनी परेशानियों का इजहार किया। हम समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस ना करवाए गए तो हमारी इकॉनमी जिस तरीके से टैंक कर रही है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और वो जो 5% हमारे वक्त में रिस्क था वो अब बढ़कर 75% को छू रहा है और ये भी काबिल गौर बात है। हम इलेक्शन पर इसरार इक्तदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि वो मईशत को संभाल सकें। चुनाचे इलेक्शन का हमारा मुतालबा जो है वो अपनी जगह कायम है और इस पर मजीद बात इंशाल्लाह 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी में करेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह साहब ये बताएंगे अभी असद उमर साहब मैं एक तो अच्छा जी, दो चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, बल्कि तीनों चीज़ों के ऊपर मैं मुख्तसर अपने कमेंट्स कर देता हूं। पहली बात तो जो तैयारियां हैं हमारी, जो तमाम पाकिस्तान के इलाकों से लोगों ने आना है, उस दिन पहुंचना है, पिंडी और मरी रोड का इंतखाब हुआ है जहां पर तमाम ये लोग जमा होंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है और उसकी तमाम तफसीलात मैं जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान की सबके साथ रबते के अंदर हूँ, तो गिलगित बल्तिस्तान से ले कर सिंध बलोचिस्तान तक चारों तरफ से आपको काफ़िले नज़र आने शुरू होंगे और उससे 26 जिस दिन ये इज्तिमा होना है उससे एक दिन पहले ही इंशाल्लाह ताला 25 तारीख की शाम को देखेंगे लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पूरी एक खैमा बस्ती वहाँ पे बना दी जाएगी अलामा इकबाल पार्क में और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की आपको वहाँ पर तैयारी नज़र आएगी और मैं तमाम पाकिस्तानियों को ज
जो यकीन रखते हैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले करने का हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है, ना मुल्क से बाहर बैठी ताकतों को ये इख्तियार हासिल है, ना पाकिस्तान में के ताकतवर तबके जो बंद कमरों के अंदर डीले करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, तो वो तमाम लोग जो इस हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं उन सबको मैं दावत देना चाहता हूँ कि आएँ और इमरान खान के साथ खड़े हों 26 तारीख को मरी रोड पे पिंडी में आए यहाँ पर। दूसरी चीज़ जिसकी बात की गई, शाह साहब अभी बता रहे थे, अपने लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया और FIR का भी जिक्र किया। मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले 10 दिन के अंदर शाह साहब इधर GT रोड पे थे, मैं उस तरफ दूसरी साइड से आ रहा था और हज़ारों पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, जलसों में आए, रिसेप्शन के अंदर आए। 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तानियों का एतमाद जो है हमारे रियासती निज़ाम के ऊपर उसको उन्होंने हिला के रख दिया है। एक, जिस तरीके से आज़म स्वाति के साथ किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, उसके बाद जिस तरीके से उनके घर की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की गई, एक पंजवक्ता खातून जो है उसको जिस तरीके से उन्होंने दहशत गर्दी के जरिए, मैं तो कहूँगा ये दहशत गर्दी है जो उनके साथ किया गया, उसके ऊपर जो गम गुस्सा आया आवाम के अंदर, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बेतहाशा गुस्सा है इस वक्त पाकिस्तान के आवाम के अंदर, और पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान के आवाम के उमंगों की धड़कन इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से मनसूबाबंदी करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो ये पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निज़ाम का इम्तहान है। ये पाकिस्तान की सिर्फ एक दो अफराद की बात नहीं है, पूरा रियासती निज़ाम को कौम देख रही है कि क्या अगर पाकिस्तान का साबिका वज़ीर आज़म, सबसे मकबूल लीडर, अगर वो अपनी एक कानून के मुताबिक जो 100% इख्तियार उनको हासिल है, वो शहबाज शरीफ, वो राणा सनाउल्ला और जनरल फैसल नसीर के नाम की FIR नहीं कटवा सकते, तो क्या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक आम आदमी को एतमाद रह जाएगा? तो ये भी इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि पूरी पाकिस्तान का रियासती निज़ाम का इम्तहान है इस वक्त, और कौम देख रही है कि क्या फैसला होता है। आखिरी चीज़ जो मईशत की बात शाह जी ने की, थोड़ी सी मैं उसकी तफसील दे दूँ। पाकिस्तान की बड़ी सनतें जो हैं, जो इमरान खान की हुकूमत होते हुए 12% से ज़्यादा से तरक्की कर रही थी, वो मनफी हो चुके हैं, और ये अभी तक सितंबर तक का डेटा है। आप जैसे जैसे अगले महीने अक्टूबर नवंबर का डेटा देखेंगे तो आप उसमें मज़ीद तनज़ुल देखेंगे। पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल की जितनी इजाफा हुआ था, उससे सिर्फ 1 साल जो इमरान खान के, बल्कि 9 महीने जो थे इमरान खान की हुकूमत के इस साल के, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ था। आज उसमें हर माह तेज़ी से कमी देखने में नज़र आ रही है। तरसीलात ज़र जो इमरान खान के वक्त में 19 अरब डॉलर से बढ़ के 31 अरब डॉलर पर गई थी, हर माह उसके अंदर हमें कमी नज़र आ रही है। बैरूनी सरमायाकारी, क्योंकि एतमाद किसी को नहीं है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर, वो आधी से भी कम रह गई हैं। पहले 4 माह जो इस साल के गुजरे हैं बनिस्बत यही अरसा जो पिछले साल का था उससे आधी से